समाया के सहयोग से मदीना में कुरान पाक का एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कुरान को सही तरीके और एक ऐसी तकनीक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करना है जिसमें अलग और बेहतरीन कुरान शामिल हो सके। ये कुरान पाक एग्जीबिशन के स्टाइल में ही सजाए गए। इस एग्जीबिशन में किंग फहद कॉम्प्लेक्स की पवित्र कुरान पाक की छपाई, ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के जनरल प्रेसिडेंसी अनुसंधान और अभिलेखकार के लिए किंग अब्दुल्ला अजीज फाउंडेशन, किंग अब्दुल अजीज जनरल लाइब्रेरी मदीना, किंग सऊद विश्वविद्यालय और किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय की भागीदारी शामिल रही। एग्जीबिशन में मिस्र के मशहूर कैलीग्राफर हनी अल तावील के कुरानिक संस्करण भी देखने को मिले, जिसमें उन्होंने अरबी के नस्ख और दीवानी स्टाइल में कुरान लिखा है। एग्जीबिशन को कामयाब बनाने के लिए यहां आए लोगों को कुरान पाक के बारे में खास तरह की बातें बताई गई, जिनमें कलाम पाक को पढ़ना, कुरान की अहमियत बताना, कुरान के इतिहास को समझाना, कुरान की खास तकनीकों को प्रदर्शित करना, कुरान की कद्र करना और इसे सही तरीके और दिल से पढ़ने की बातें भी बताई गई। एग्जीबिशन के सुपरवाइजर हमजा अब्दुल करीम ने बताया कि कुरान प्रदर्शनी में कई कैलीग्राफी और आधुनिक तकनीकें शामिल हैं जो समाज की जरूरतों को मद्देनजर रखकर तैयार की गई हैं। इस एग्जीबिशन में हाफिज उस्मान के 106 बेहतरीन कैलीग्राफी वाले कुरान शामिल हैं। आपको बता दें कि हाफिज ने 106 कैलीग्राफिक कुरान लिखे हैं और 107वां कुरान लिखते वक्त उनकी मौत हो गई थी। एग्जीबिशन में कुरान अंग्रेजी, फ्रांसीसी, तुर्की, उर्दू, इंडोनेशियाई, पास्तू, मालवियन सहित कई तरह की भाषाओं में कुरान लिखा गया है। एग्जीबिशन में आने वाले लोगों की तादाद उमरा और हज के दौरान ज़्यादा बढ़ जाती है। हज के दौरान यहाँ रोज 150 देशों से 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं। अरब देश और मिडिल ईस्ट की ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।